दो तीन दिन पहले हुई थी बात। क्या क्या बात थी, क्या कहा था उन्होंने जो आप बता रहे थे अभी हॉस्पिटल आने के लिए? हाँ तो मिसेस की बात हुई थी उसमें, हॉस्पिटल में मतलब जो है आँख के ऑपरेशन वगैरह के बारे डॉक्टर से बात करी होगी उन्होंने, फिर बताया फिर शनिवार के लिए बात कहा था कि शनिवार को आप लोग चले जाना दिखा दे, बस कोई ऐसी बात अभी एक दो दिन बाद फिर कोई बात नहीं हुई नहीं, और कोई ऐसी बात नहीं हुई। मतलब इन्होंने आपका इतना बड़ा व्यापार है फिर एयरफोर्स ही क्यों चुना, कुछ ऐसी शुरुआत में ही उनकी इच्छाएं थी क्या थी? अब ऐसा है कुछ माहौल का भी होता है, अब एंजेमेंट इनका हो गया था तो वहीं से इन्होंने अपना जॉब चुन लिया। एक हमारे मिलने वाले चौहान साहब भी थे सर, तो उन्होंने भी मतलब फौज में रिटायर हुए थे तो उन्होंने हेलीकॉप्टर के लिए राय दी थी, सब जो सामान वामान ले जाते हैं ऐसा है कौन सा है मुझे नहीं पता, तो उन्होंने वहाँ हेलीकॉप्टर के लिए उसमें चुन लिया। एनडीए से निकलने के बाद तो बेंगलोर में अलग ट्रेनिंग ली, फिर गोरखपुर में मतलब ये है सर्विस आ गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं था पहले, वो एनडीए में होने के बाद वहाँ हो गया जैसा भी था। क्या ऐसा जैसे होता ना तमाम, जैसे अभी अगर विंग अभी जो थे फिर एयरफोर्स वाले अपने आर के सिंह साहब भदौरिया था, वो कहते थे कि मैं उड़ता हुआ देखता था जहाज, इसलिए मेरा सपना हुआ एयरफोर्स में, ऐसा कुछ? नहीं नहीं ऐसा कोई। और इकलौता बेटा आपका, फिर आपका इतना बड़ा कारोबार, फिर ऐसे कैसे, इसमें भी कुछ आप लोगों ने कहा या उनकी इच्छा थी? नहीं ऐसा हमने कोई मतलब फेस नहीं किया ना उसको, हमने कहा जो दिल करे वो काम करे। अच्छा जो दिल करे वो काम करो, दिल गवारा करे वो करो। अच्छा हाँ, अगर पढ़ाई की बात की जाए तो कहाँ कहाँ इन्होंने पढ़ाई की? पढ़ाई वहीं ग्वालियर, यहाँ ग्वालियर हम रहे थे 25 साल। अच्छा अच्छा आप भी सर्विस करते थे? नहीं वहाँ पे बेकरी का ही काम डाला था, तो कुछ समय बाद जो है बंद कर दिया था, फिर उसी पीरियड में मतलब जो है कोई पड़ोस में कोई तोमर वगैरह रहते थे उनसे, उनका बच्चा जा रहा होगा तो कहीं वो टीवी हुई कि इनके आपस की बात हुई थी, बच्चे जाते थे देखने, हमारे पास तो था नहीं टीवी, किराए के मकान में था, तो वहाँ कोई बात हो गई थी तो उन्होंने कहा, अब वहाँ उन्होंने गांठ बांध ली तो वहाँ छोटा ही था तब पढ़ रहा था वैसे ही स्कूल में प्राइवेट में, फिर उसका टेस्ट दिलवाया गया समझे, तो टेस्ट दिलवाने के बाद उसका वहाँ से कॉल लेटर आ गया कि फिर रीवा में इनको एडमिशन मिल गया, तो वहाँ फिर चलते रहे वो। जैसे आपने बात की ना टीवी देखने के, तो कोई सीरियल भी नहीं ऐसा देशभक्ति का? नहीं 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 बच्चे वैसे ही जाते थे टीवी, सीरियल वीरियल की कोई ऐसी कहानी? कोई ऐसी कोई कहानी देशभक्ति की कोई फिल्म देखी हो उसके बाद हुआ हो? नहीं नहीं और बच्चे जाते थे, ये नहीं जाता था ऐसा कुछ। अभी आपको सूचना मिली है? तो ये तो सूचना मतलब ऐसा है कि मोबाइल इस टीवी पे ही नजर आई कुछ ऐसा। अच्छा। अच्छा।
फिर हमने बहू को फोन किया था तो बहू की स्थिति समझ ली कहाँ कोई बात गड़बड़ है। फिर कोई पड़ोस में उनके मिस होंगे और मिसेस कोई लेडीज थी तो उन्होंने कहा कि हम एक दो घंटे बाद आपको फिर सही डिटेल दे बताते हैं। उनका फोन आया नहीं है।